आज मैं आप लोगों के साथ दलकद्दू बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। यह एक ऐसे दाल की रेसिपी होती है जिसमें हम चना दाल को लौकी के साथ मिला करके बनाते हैं, और इसके साथ आपको किसी भी सब्जी को खाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको चावल के साथ, चोखा या फिर भुजिया के कॉम्बिनेशन के साथ खा सकते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 2 प्याज, 2 तेज़पत्ता, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च। सभी चीज़ों को यहाँ पे हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चना दाल। चना दाल को मैंने धो करके रखा हुआ है। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। इसको ढक करके थोड़ी देर हम ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें कद्दू ऐड करेंगे। दाल को कुक करते हुए हमें 5 मिनट का टाइम हो चुका है, तो अब हम इसमें कद्दू ऐड कर देते हैं। कद्दू को यहाँ पे छोटे छोटे पीस में मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर मैं 1 कद्दू और 250 ग्राम के अप्रॉक्स में दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी के साथ हम 2 बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे। मसाले इसमें बहुत हल्के डाले जाते हैं, इसलिए 1 चम्मच यहाँ पे मैं गरम मसाला और धनिया पाउडर दोनों मिक्स है इसमें, तो इसे ऐड कर लेंगे। मिला लेते हैं। अब हम इसमें कूटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। इसे बाद में हमें डालना है। इससे जो दल कद्दू का टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है, और अदरक और लहसुन का जो फ्लेवर है वो उभर के आता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा करके इसको 5 सीटी आने देना है, और जब 5 सीटी आ जाएगी तब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट फिर से इस दाल को पकाएँगे। यहाँ पे कैप मैंने लगा दिया है और अब हम 5 सीटी आने देंगे। दाल हमारा कुक हो चुका है, तो जब तक सीटी निकलता है तब तक यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है। तवा के ऊपर हम डालेंगे काली मिर्च के दाने लगभग 20 से 25 और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। काली मिर्च यहाँ पे हमारा हल्का सा रोस्ट हो चुका है, तो हम इसमें जीरा डाल देते हैं लगभग 1 चम्मच। जीरा को भी यहाँ पे हम रोस्ट कर देंगे। जब दोनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएगी उसके बाद हमें इसे ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद इसका पाउडर बना करके दल कद्दू यानी कि जो हमने दाल तैयार किया है कद्दू और चना दाल से, उसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो जीरा भी यहाँ पे फ्राई हो चुका है, तवा गर्म है, हल्का सा ये और फ्राई हो जाएगा गर्म तवे की वजह से। तो गैस को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है और इसको अब हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। काली मिर्च और जीरा को एक छोटे से खल में मैंने डाल दिया है। अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के बाद दाल में ऐड करेंगे। यहाँ पे कुकर का ढक्कन मैंने ओपन कर दिया है, और ये देखिए हमारा जो दाल है अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारे दल कद्दू की जो रेसिपी है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अगर रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।